राज्य सरकार के आदेश के बावजूद शराब कारोबारी सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश में लॉकडाउन कर रखा है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान और प्रतिष्ठानों को ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद जयपुर में रेलवे स्टेशन के सामने सिविल लाइन, सी स्कीम, JLN मार्ग, गांधीनगर मोड़, शास्त्री नगर सहित तमाम जगहों पर शराब की दुकान खुली दिखाई दे रही है। हालांकि अन्य दुकानें, रेस्टोरेंट, यहां तक की चाय की थड़ियां तक बंद हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय हॉकर वेंडरों का कहना है, शराब कारोबारी इन हालातों में भी गैर कानूनी धंधे से बाज नहीं आ रहे। तो शराब कारोबारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम जगह जगह से अपने रिपोर्टर्स को जोड़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। तो जयपुर से हमारे सहयोगी ऋतुराज जुड़े हुए, सत्यनारायण जुड़े हुए हैं, और जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि हमने कुछ जगहों पर अपने दर्शकों को फोटोज दिखाई, विजुअल्स दिखाए कि शराब की दुकानें खुली हुई है, कहीं शराब के जो कारोबारी, उनको ये तो नहीं लग रहा कि एसेंशियल है लोगों को जीने के लिए, इसलिए खोल के बैठे हुए हैं इस दुकान को? अगर मैं खड़ा हूँ MI रोड पर, और मुख्य तौर पर हम यदि बात करें असर की, तो यहाँ पर असर साफ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान एक एक दुकान बंद है। बात करें अगर मेडिकल और किराना स्टोर की, तो उस मेडिकल किराना स्टोर के अलावा एक एक दुकान बंद है, और यह बंद कोई जबरन नहीं कराया गया, बल्कि खुद ही किया गया है। व्यापारियों ने खुद ने ही बंद किया है। केवल मेडिकल की दुकानें खुली हैं, जनरल स्टोर खुले हुए हैं, और यातायात जो है, क्योंकि ये मुख्य रोड है, जो मुख्य जो शहर है उसको जोड़ता है, इसलिए यहाँ यातायात होना लाजमी है, लेकिन रोज की अपेक्षा यातायात भी कम है। रोज की अपेक्षा यातायात भी कम है। मैं वापस आपका रुख करूंगी, अन्य सहयोगी भी हैं, एक बार उनसे बात कर ले। नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, आप कहां पर मौजूद हैं? किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, मैं टोंक रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हमने पूरा बाजार का हाल देखा है। हालांकि दुकानें जो हैं वो बंद है, मेडिकल की दुकानें हैं वो खुली है, इसके अलावा राशन की कुछ दुकानें वो खुली है, लेकिन लोगों का जो आवाजाही का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। देखिए, लॉकडाउन है और बार बार ये अपील की जा रही है कि लापरवाही जनता पर भारी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, सभी लोग अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम हो या जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं वही लोग बाहर निकले, सिर्फ घूमने फिरने या नज़ारा देखने के लिए वो शहर में ना निकले, क्योंकि आपकी लापरवाही दूसरों की जान पे भारी पड़ सकती है। और दूसरी बड़ी बात, जो आपने शराब दुकानों की बात की थी, तो जब हम सुबह निकले थे तो इसी रोड पे जो है वो कई शराब की दुकानें खुली थी, लेकिन जब हमने खबर प्रसारित की उसके बाद दुकानों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे जो है वो शराब की बिक्री यहाँ पे चल रही है। मैं टोंक रोड पे नगर निगम के पास एक शराब की दुकान का आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ देर पहले ये जो शराब की दुकान है इसके पास, मतलब कहीं ना कहीं नरेश ये है कि हमने खबर चलाई उससे डरकर शटर डाउन कर दिया गया। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं, डरिए मत, आपकी और हमारी जागरूकता ही हमें बचाएगी, ये समझने वाली बात है। सत्यनारायण, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें आपके सामने आ रही है? क्या दुकान बिल्कुल बंद है? लोगों का आवागमन क्या बंद है? खुशबू, हम खड़े हैं जयपुर शहर के हृदय स्थली बड़ी चौपट, जहाँ से करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। ये जोरी बाजार है, आप देख सकते हैं जोरी बाजार पूर्णतः खाली पड़ा है, साथ साथ ये त्रिपुरी बाजार का रास्ता है, ये खाली पड़ा है, और सबसे बड़ी पर्यटक स्थली है ये हवा महल। हवा महल देखेंगे, ये खाली पड़ा है। हालांकि जिम्मेदारी बनती है पुलिस अधिकारियों की, खुद एडिशनल DCP सुमित गुप्ता है, मौजूद है। सर, लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लॉकडाउन करवाने के, लेकिन लोग बाहर निकल के अभी भी आ रहे हैं, हालांकि दुकानें बंद है, क्या करना चाहेंगे? हाँ, लोगों को कि अपनी कुछ आवश्यकता है, जैसे खाद्य सामग्री है या दवाई या अस्पताल जाना है, उनको कोई कुछ सुविधाएं दी गई हैं ताकि लोग अपना सामान्य काम का जितना उनका प्रभावित नहीं हो, और वो भी अपने सुचारू रूप से जो आवश्यकताएं हैं खाद्य सामग्री की या दवाइयों की, या कोई हॉस्पिटलाइज अपने जाना है, देखना है या इलाज लेना है, तो उसके लिए लोगों को ये छूट दी गई है, इसलिए लोगों का आवागमन है। सर, कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? लगातार लोग बाहर आ रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, बेहद ज़रूरी होने पर और आवश्यकता होने पर ही, अति आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें,
और अपना काम करके तुरंत वापस घरों में अपने जाएं। तो खुशबू, अपील की जा रही है कि लोगों से कि अपना काम करें और अपने घर चले जाएं। ये लॉकडाउन है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आप सेफ रहें उसके लिए। और खुद मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं बार बार कि अपने अपने घरों में रहें और सेफ रहें। खुशबू जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण। और राजीव भी हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए कमोवेश जयपुर में एक ही स्थिति है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप अपने घर जाइए, हालांकि थोड़े बहुत लोग समझदार भी दिख रहे हैं। आप कहां पर मौजूद है? हालांकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूं कि बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ कम ही लोगों के मूवमेंट दिख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम हाउसिंग बोर्ड के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से करीब 17 सेक्टर 18 सेक्टर तक आते हैं, लेकिन देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का जो लोग है वो घूम रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी जो जागरूकता समझ की बात कहनी चाहिए वो नहीं है। अब देखिए दुकानें अगर बंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जिस तरीके से आप पहुंचे, देखिए सामने एक दुकान अभी भी खुली है मोबाइल के रिचार्ज की, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति किस तरीके की है। लोग आ रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, बिना मास्क का यूज किए हुए लोग चल रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि नज़ारा देखने आ रहे हैं। जब बंद है तो काय का नज़ारा, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और अगर कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े हुए वो यहाँ पर रुके हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है। आप यहाँ जब कोरोना वायरस का असर है, आप लॉकडाउन पर बाहर कैसे निकले? सर कोई हॉस्पिटल जाना है। इधर कौन सा हॉस्पिटल है? जा रहा हूँ एम्स आगे। इधर तो एम्स का रास्ता ही नहीं है। एम्स का रास्ता सर इधर से ही, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ता हूँ एम्स। देखिए बहाने बहुत सारे हैं, क्या आप घर से कैसे निकले? मैं दो सामान ले लेंगे गुटखा वगैरह। गुटखा लेने आए? देखिए क्या स्थिति है लोगों की, आप देखिए आसपास जितने भी जो लोग खड़े हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि ये रोग किसी को भी लग सकता है, संक्रमण है, लेकिन लोगों को समझ नहीं। देखिए सामने से किसी कार आ रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दुकानें पहले नहीं खुली। अब थोड़ी देर पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष जो हैं वो खुद निकल गए, उनसे पूछा तो बोला कि सूचना मिली कि आप देखिए तस्वीर किस तरह की, लोगों में जागरूकता जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं देखिए कितनी ज्यादा ये लापरवाही है। गुटखा खाने के लिए निकल रहे हैं, शराब के लिए निकल रहे हैं, दुकानें बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि लोगों को जीने के लिए यही एक साधन है। जैसे कुछ दिन नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कमोवेश स्थिति तो यही दिख रही है। ऋतुराज, धारा 144 है, लॉकडाउन है, क्या धारा 144 दिख रही है? क्या लोगों का समूह आपको कहीं दिखा? आपने बात की उनसे, कुछ पता चल पाया? देखिए लॉकडाउन का असर तो दिख रहा है, लेकिन लोग समूह में जा रहे हैं, हम दिखा सकते हैं अभी भी यहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग समूह में जाके और अपना काम निपटा रहे हैं, और ये जो मुख्य जगह है यहाँ से गुजर रहे हैं, और रोज जो कमाकर खाने वाले ही नहीं, यहाँ पर विद्यार्थी और कई ऐसे वर्ग हैं जो खुद जा रहे हैं, और मेरे ठीक पीछे भी कई लोग खड़े हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये दवा की दुकान है और दवा के लिए यहाँ पर लेने आए हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही सूरत सामने आ रही है कि अभी भी पूरी जागरूकता नहीं है। कुछ लोग हमारे कैमरा देखकर हमारे पास भी आके खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए सचमुच स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक नजर आ रही है। कल जब जनता कर्फ्यू था तो लोगों ने शायद समझा, लेकिन आज उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब ठीक हो गया और बिल्कुल रोड पे निकल आए हैं। नरेश, क्या लगता है सरकार को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत आ गई है? और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश दे दिया है कि कड़े तरीके से कानून को लागू करवाइए, क्योंकि स्थिति बिल्कुल खराब दिख रही है फिलहाल तो। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह का नज़ारा देखा था हमने जयपुर में, पूरे देश में, और लोगों ने सोचा था कि आज भी वैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। लोगों में समझ है, लोग जो अपील है उसका असर है, लेकिन आज जब हम जयपुर में देख रहे हैं कई लोग जो है वो बिना काम के हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोग चहलकदमी कर रहे हैं, घूम रहे हैं सड़क पर सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट बंद है या नहीं है, जबकि वो लोगों की, दूसरों की जान है उसको खतरे में डाल रहे हैं, उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को आने की इजाज़त है, इसके बावजूद लोग है उन पर अपील का असर नहीं हो रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार सख्ती बरतने की ज़रूरत है कि बिना सख्ती के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक लोग घरों में नहीं रहेंगे, जब तक जो है इस 144 का उल्लंघन होना बंद नहीं होगा, तब तक बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें नरेश। सत्यनारायण, देखिए सरकार ने अपील कर दी, मुख्यमंत्री ने अपील कर दी, लॉकडाउन हो गया, 144 हो गया, लेकिन अब आगे क्या? आपको नहीं लगता सत्यनारायण कि लोगों को समझना चाहिए? अदरवाइज अगर सरकार कड़े कदम उठाएगी तो पैनिक सिचुएशन हो सकती है फिर। बिल्कुल
बिल्कुल खुशबू, जागरूकता की कमी है, सख्ती की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस इंतजार कर रही है कि लोग अपने आप मान जाएं। जब हमारे पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि लोग अपने आप मान जाएं, लेकिन इस जागरूकता की कमी के चलते ये जो मेला आता है, एक एक दो दो लोग आते हैं, उनके साथ दिक्कत आती है सर। कहीं ना कहीं लगता नहीं है सख्ती की जरूरत है? लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी सख्ती होनी चाहिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग समझदार हैं और काफ़ी, आप जैसे यहाँ पे इतना सामान्य दिनों में भीड़ रहती है उसके मुकाबले यहाँ पे आज 5% के आसपास आवागमन है। ये एक आवश्यक है कि लोगों को जो उनकी बेसिक सुविधा हैं उनसे महरूम नहीं किया जाए, इसलिए जो खाद्य सामग्री है या इससे संबंधित जो लोगों की दिनचर्या की दुकानें हैं उनको खोल रखा गया है। और इसका बहाना बनाकर, खाद्य सामग्री का बहाना बनाकर, मेडिकल का बहाना बनाकर लोग मेला देखने बाहर आते हैं, सेल्फी लेने बाहर आते हैं सर? नहीं, इस तरह के नहीं है, लोगों में गंभीरता है और जिम्मेदारी से लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। इस तरह का कहना सही नहीं है कि लोग केवल एक सेल्फी लेने के हिसाब से बाहर आ रहे हैं। तो खुशबू, जरूर जागरूकता की है, लोग पुलिस अपील कर सकती है, हालांकि कोई सख्ती नहीं कर सकती है अभी, क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है, पुलिस अपील कर रही है कि लोग अपने अपने सत्यनारायण, एक बात कितनी अच्छी है कि पुलिस जो है, जो अधिकारी है वो विश्वास कर रहे हैं जनता पे कि जनता खुद समझेगी, जनता नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। राजीव, आपने सुबह से स्थिति देखी है, क्या जो जरूरी चीजें वो लोगों को आराम से मिल पा रही है? देखिए निश्चित रूप से जो तमाम, जो चाहे दूध की बात करें या किराने स्टोर की बात करें, उन सब की बातें करें, वो तो तमाम वस्तुएं मिल रही हैं, लेकिन धारा 144 जो लगी हुई है आप उसका उल्लंघन देखिए, 5 लोग एक साथ इकट्ठे हैं जबकि इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, स्पष्ट रूप से धारा का उल्लंघन हो रहा है और कहीं ना कहीं अलग अलग चौराहे पे लोग खड़े हुए। और अगर दूसरी तस्वीर देखिए, बल्क के अंदर लोगों की भीड़ आ रही है, लोग यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग झुंड बना करके खड़े हैं और उससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से घरों से ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों का आप देखिए झुड़ूम कहाँ से आ रहे हैं, लोग पता ही नहीं चल रहा और घरों से निकल के आ रहे हैं। लोगों से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हो? सर पहले बोल जा साहब, अरे आप जा कर रहे हो, आपको पता है कि वायरस फैल सकता है? क्या पता फैल सकता है, नहीं भी फैल सकता सर। आपको पता नहीं कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन है? है सर। तो फिर आप घर से कैसे निकले? सर मैं अभी सामान लेने गया था, दुकानें खुली नहीं है अभी। देखिए सामान लेने गए, तब देखिए चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी के सभी जो लोग घरों से निकले, एक बुजुर्ग से बात करते क्या, किस तरीके से आपको पता लॉकडाउन, घर से कैसे बाहर निकले? किसी डॉक्टर को खाना देने जा रहा हूँ जी, किसी डॉक्टर का खाना देने जा रहा हूँ। अच्छा खाना देने जा रहे हैं, देखिए लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जागरूक जो होने चाहिए वो पूरी तरह, इतनी भीड़ इतनी बल्क में, राजीव सही बात है कि जागरूकता की थोड़ी कमी तो जरूर लग रही है। बहरहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए तमाम सहयोगी जो है, जहां की तस्वीरें दिखा रहे थे, पुलिस प्रशासन का भरोसा है, सरकार आप पे भरोसा कर रही है, जरूर